इसको बंद कर दो और लाइट थोड़ा सुनिए ना, उसको भी बंद कर दो, ट्यूब चालू कर दीजिए, शायद हमको लगता है लाइट फिर बढ़िया आएगा। फैन नहीं, केवल ट्यूब। हाँ, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? हाँ, नहीं अच्छे से दिखता है। कुछ ज्यादा अंधेरा हो गया, फिर किधर से देखो, उसको जरा हटा के देखो तो। हाँ, हटाओ उसको, हटाओ, पूरा साइड करो ना, झटके से पूरा साइड करो। इधर को हटा करके देखो एक बार, हटा दो कर्टन को, हटाओ। हाँ हाँ, साइड कर दो पूरा। अरे खींच ना तमला आके उधर। हाँ, लिखो, IUPAC नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड हम लोग खत्म किए थे ना। हाँ, उसके बाद लिखना IUPAC नेमिंग ऑफ ईस्टर, ठीक है। नेमिंग ऑफ ईस्टर, ठीक है। और ईस्टर में तुम्हारा क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O और ये OR, ये होता है तुम्हारा ईस्टर, ठीक है। दरवाजे को बंद कर। ठीक है, बात समझ में आया। और ये ईस्टर बनता कैसे है? तो ये RC डबल बॉन्ड O और ये OH एसिड लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लेते हैं? एसिड। और एसिड के साथ हम लोग लेते हैं अल्कोहल, ठीक है। एसिड और किसका? अल्कोहल। और इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं? डिहाइड्रेट, मतलब कि पानी बाहर निकालते हैं इसमें से, बताए थे ना। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वाटर। और माइनस वाटर यदि हम लोग करें यहां से, तो क्या करेंगे? इसका OH लेंगे और इसका H, ठीक है, हटाते हैं। और फिर क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O और ये O और ये क्या बनेगा? R। बात समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? ईस्टर, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? ईस्टर। और ये फ्रूटी स्मेल होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। इसका स्मेल कैसा होता है? फ्रूटी स्मेल होता है। बात समझ में आया? तो फ्रेग्रेंस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आया? ये चीज ध्यान में रखना। तो इसी को क्या कहेंगे? ईस्टर। अब ये वाला जो तुम्हारा है, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है? ये C डबल बॉन्ड O और ये O और ये क्या है तुम्हारा? R, ये है ना, ठीक है। तो इसका नाम है अल्काइल अल्कानोएट। ईस्टर को हम लोग क्या UPSC नेम लिखेंगे? अल्काइल अल्कानोएट, ठीक है। देख लो क्या IUPAC हम लोग लिख रहे हैं? अल्काइल अल्कानोएट, ठीक है, अल्काइल अल्कानोएट। तो ये R, ये जो अल्काइल है ना, वो इस R के लिए है, ध्यान में रखना। ये जो अल्काइल किस R के लिए रहेगा? ये वाला R के लिए क्या लिखेंगे? अल्काइल, यानी दो कार्बन है तो मिथाइल, तीन कार्बन है तो सॉरी एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, चार कार्बन है तो ब्यूटाइल। इज दैट क्लियर? ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा बचा वाला, ये वाला पार्ट, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बोलो? ये तुम्हारा कहलाएगा पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, जिससे तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ रहेगा, वो क्या कहलाएगा? पेरेंट कार्बन चेन, यानी कि इधर जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा? पेरेंट कार्बन चेन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे? अल्कानोएट। क्या लिखेंगे इस चीज को? अल्कानोएट। ये तुम्हारा देखो ALK, ये तुम्हारा क्या है? वर्ड रूट, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? वर्ड रूट। समझ में आया? जैसे अल्केन का ALK क्या होता है? वही होता है ना, समझ में आया। और उसमें AN, ठीक है, AN का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ? 1 डिग्री सफिक्स, समझ में आया। और OAT ये तुम्हारा क्या हो रहा है? 2 डिग्री सफिक्स, बोलो समझ में आया। इसीलिए इसका नाम क्या होगा? अल्काइल अल्कानोएट, ठीक है। अब एग्जांपल, अच्छा स्पेशल सफिक्स का होता है कार्बोक्सिलेट, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। स्पेशल सफिक्स, स्पेशल सफिक्स जो होता है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलेट, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना।
क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब जैसे हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये एच सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ और ये रहेगा सी एच थ्री, बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? मिथाइल। ये मिथाइल है और एक कार्बन का क्या लिखेंगे? मिथानोएक। इज दैट क्लियर? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। मिथाइल किसके लिए? तो मिथाइल बाबा इसके लिए, ठीक है। और ये जो बचा एक कार्बन, उसके लिए क्या हम लोग लिखेंगे? मिथानोएट। बात समझ में आया? उसी प्रकार से यदि और हम क्वेश्चन ले ले, अब देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लिखते हैं, समझ में आया कैसे हम इसका नाम लिख रहे हैं? ठीक है, ये ले लेते हैं हम सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और ये सी एच टू, ये सी एच थ्री, ठीक। ये तुम्हारा आ जाएगा सी एच थ्री, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, जिसको फेनाइल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा रहेगा ये, ठीक है, सी टू एच फाइव है लास्ट में, ठीक है। और जगह इधर मिटा दे क्या ऊपर वाला, चलो जी। हो गया, यहां से चालू कर रहे थे ना। अब इसका नाम हो गया मिथाइल मिथानोएट। अब बताओ इसका नाम, ये वाला पार्ट इतना दूर तक का क्या हो गया तुम्हारा? इथाइल हो गया, इथाइल, और दो कार्बन यहां भी है तुम्हारा, बोलो क्या बोलेंगे? इथानोएट। समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं? ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, बोलो क्या लिखेंगे इसको? ये वाला ग्रुप तुम्हारा क्या कहलाएगा? फेनाइल। बताए थे ना पीएच है, फेनाइल। फेनाइल आ गया, के बैठो ना यार, तुमको नजर नहीं आ रहा तो हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फेनाइल, ठीक है। और ये तुम्हारा दो कार्बन का चेन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे बोलो? फेनाइल। फेनाइल बोलो, इथानोएट, ठीक है। इसका नाम बताओ क्या बोलेंगे? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इथाइल होगा, इथाइल। और ये बताओ, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना तुम्हारा,
विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग। समझ में आया? देखो ये बगल वाला हम नाम लिख दिए, जो अल्काइल हो रहा था अब अल्कानोइड पे आना है, तो अल्कानोइड, बात समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, लेकिन ये क्या लिखेंगे, साइक्लोहल क्या, स्पेशल सफिक्स। क्यों स्पेशल सफिक्स? बिकॉज द मेन फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग। समझ में आया? अरे कर रहे थे ना, C डबल OH रहा था तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं, तो इसका क्या लिखेंगे इथाइल के बाद, साइक्लो, साइक्लो बोलो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, और ई भी लिखेंगे इसका। क्यों? क्योंकि अगला क्या है इसका सुपर सफिक्स, कार्बोक्सिलेट, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन। बात समझ में आया? देख लो जरा सा। अब बताओ आगे वाला का क्या लिखेंगे इसके बाद? ये वाला है तुम्हारा, यहां भी है तुम्हारा, मेन कार्बन चेन किसको लेंगे, ये पूरा यहां लेंगे ना, दोनों साइड से है, आ रहा क्या? और यहां भी मिथानोइल क्लोराइड, हाँ मिथानोइल क्लोराइड, ठीक है। उसी तरीके से यदि हम चले जाएं यहाँ पे, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये BR, बताओ क्या हो जाएगा, इथानोइल ब्रोमाइड, ठीक है। इथानोइल ब्रोमाइड, ठीक। अब देखो कुछ क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं हम, और इसका कॉमन नेम याद रखना फॉर्माइल क्लोराइड होता है, ठीक है, कॉमन नेम इसका जो होता है फॉर्माइल क्लोराइड होता है, और इसका एसिटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये होगा, अब कुछ एग्जांपल लिखते जा रहे हैं हम। ब्लर हो रहा है, क्या करें, बड़ा लिखना है क्या, क्या? अच्छा दरवाजा, अच्छा ठीक। अच्छा फिर बताते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं फिर बताते हैं। बताए थे हम कि ये एसिड हैलाइड जो है उसको एसाइल हैलाइड भी कहा जाता है, ठीक है। ये R C डबल O X ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ X इज इक्वल टू फ्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होता है। यदि हम इसका सुपर सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स की बात करें तो ऑयल हैलाइड लिखते हैं, ऑयल हैलाइड, यानी यदि हम पूरा टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, अल्कानोइल हैलाइड, अल्केन का ई हटेगा, ठीक है, AL के वर्ड रूट होगा, N जो रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा 1 डिग्री सफिक्स, और OIL क्या है 2 डिग्री सफिक्स, और हैलाइड साथ ही साथ इसका जुड़ा हुआ है, ठीक है, अल्कानोइल हैलाइड, अल्केन का E हटा के OIL जोड़ेंगे और क्या लिखेंगे, हैलाइड।
ठीक है, और सुपर सफिक्स जो रहेगा वो तुम्हारा क्या लिखेंगे, कार्बोनिल हैलाइड। तो जैसे यहाँ पे ये है एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथानोइल और सी एल है तो क्लोराइड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्माइल क्लोराइड, याद रखना है बाद में समझाएंगे। फॉर्मल डिहाइड से उस तरीके से हम लोग सब लिख रहे हैं। अब दो कार्बन है ठीक है, तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथानोइल ब्रोमाइड। ठीक है, क्या लिखेंगे, इथानोइल ब्रोमाइड, और कॉमन नेम क्या होगा, एसिटाइल ब्रोमाइड। अब आगे देख रहे हैं हम लोग ठीक है। अब इसमें बताओ क्या लिखेंगे, ये तुम्हारा कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया एसिड हैलाइड का ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया किसका, कीटोन का। तो बताओ एसिड हैलाइड ऊपर आएगा या फिर कीटोन ऊपर आएगा, बोलो, एसिड हैलाइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यानी नंबरिंग करो किधर से होगा, 1, 2, 3 और 4, ये क्या लिखेंगे इसको, ऑक्सो लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे, 3 पे ऑक्सो 3 ऑक्सो, और 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइल, ब्यूटानोइल, और बीआर का क्या होगा, ब्रोमाइड। ठीक है, उसी तरीके से यहां अब ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है रिंग से, यानी अब क्या लिखना होगा, सुपर सफिक्स, और सुपर सफिक्स में क्या लिखेंगे, कार्बोनिल हैलाइड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनिल ठीक है, और फ्लोराइड। नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, पहले पे ही है ठीक है। ये बताओ इसका क्या लिखेंगे, अब देखो बीच में CH2 आ गया, तब हम रिंग को नहीं लेंगे, पैरेंट चेन, तब मेरा पैरेंट चेन ये होगा ठीक है, और नंबरिंग क्या होगा, ये 1 और ये 2, और दूसरा पे क्या है, ये साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा इस बार, बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स ठीक है। तो दूसरे पे क्या लिखेंगे, 2 साइक्लोब्यूटाइल ठीक है, और 2 कार्बन का हो जाएगा इथानोइल, इथानोइल आयोडाइड, ये नाम हो जाएगा इसका। बताओ ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4, और तीसरा पे क्या रहा है, डबल बॉन्ड EN, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट ठीक है, क्या लिख रहे थे, अल्कानोइल ना, तो ब्यूट डैश 3 ENOYL, समझ में आया, ENOYL, इन लिख रहे थे ना, ENE, तो हटा के OYL डाले ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलो, ब्रोमाइड, या फिर इसको लिख सकते हो 3 ब्यूटेन ब्यूटिनोइल ब्रोमाइड। यानी हम पहले ही बता दिए कि डबल बॉन्ड कितने पे। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये अपना क्या है, बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप। अब मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली टू रिंग, तो पैरेंट चेन कौन हो गया, रिंग, और इसका क्या लिखेंगे, सुपर सफिक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, और किधर की ओर जाएंगे, ऊपर से या नीचे से, मेन फंक्शनल ग्रुप मिलने के बाद हम लोग किधर की ओर जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ, तो किधर जाएंगे, ऊपर है ना, 3 सॉरी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये होगा 6, अंडरस्टूड। नीचे से जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 पे आएगा मेरा डबल बॉन्ड ठीक है। अब बाकी साइड चेन को रहने दो, अब पहले कौन लिखेंगे, 5 पे क्या है, एमिनो है ना, और उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, 4 पे हाइड्रोक्सी, उसके बाद साइक्लो, साइक्लोहेक्स ठीक है, और कितना पे डबल बॉन्ड है, तीसरे पे, डैश 3 EN, EN और E भी लिखेंगे क्योंकि अगला लेटर क्या है, C है, which is not vowel, समझ में आया, तो ENE, और फिर क्या लिखेंगे, बोलो, कार्बोनिल ब्रोमाइड, समझ में आया कैसे लिखे हैं। तो ये देखो, ये क्या था तुम्हारा, IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड, बहुत आसान है ये। अब सब देखो ना, तुमको यदि तुम शुरू क्लास से ध्यान दे रहे हो कैसे लिख रहे हैं, तो अब तुमको सब आसान लगेगा, बस हम फॉर्मेट बताएंगे कि क्या होता है, फिर तुम खुद से कर सकते हो ठीक है। लिखो, Thank you.
टेबल अभी सुनेंगे, वहीं चलो।
चलो तुम लोग को कल देख लेंगे, याद रखना कल पढ़ के आना। आज उन लोग को भी छोड़े हैं, हमको पूरा उम्मीद था कि तुम लोग को भी याद नहीं है, इसलिए हम सोचे कि छोड़ो टाइम उसमें देने से पढ़ा देते हैं, ठीक है। और कल याद करके आना, नहीं तो फिर स्वागत करेंगे। समझ तो गए होगे। और पता करना है कि कैसे, तो फिर कॉन्टेक्ट B3, हाँ उसे एक एक बच्चे जाके पूछना, एक एक, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किए हैं, उसी तीव्रता के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ। और आज उनका तीसरा दिन है, आज भी चलेगा राउंड, हाँ एक राउंड चलता है डेली, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो अब लिखो IUPAC नेमिंग ऑफ एमाइड। IUPAC नेमिंग ऑफ एमाइड, और ये क्या होता है, डैश सी डबल बॉन्ड ओ और NH2 साथ में एकदम, इसी को क्या बोलते हैं, एमाइड कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एमाइड कहेंगे, ठीक है। और ये क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O और ये NH2, और इसका तुम्हारा 2 डिग्री सफिक्स क्या बोलते हैं जी, बोलो, एमाइड, वही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एमाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग लिखेंगे, अल्केन का ई हटा के एमाइड जोड़ते हैं, अल्केनामाइड हो जाता है, क्या हो जाता है IUPAC में, फिर अल्केनामाइड, ई हट गया ना और एमाइड जुड़ गया, देखो है ना। और सुपर सफिक्स का जरूरत पड़ा तो ये तुम्हारा कार्बोक्सो, ठीक है, कार्बोक्सामाइड, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक, बात समझ में आया। अब जैसे कि ये तुम्हारा है HC डबल बॉन्ड O और NH2, तो बताओ इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है ना, है ना, एक कार्बन का क्या होगा, मीथेन और एमाइड, मीथेन, METHANAMID, यही हो जाएगा ना मिथेनामाइड, ठीक है। अब जरा सा देखना, यहाँ पे यहाँ दो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तुम क्या करो कि स्टार्टिंग में एक हाइड्रोजन हटाओ, ठीक है, माइनस H और प्लस CH3, ठीक है। दूसरा में हम क्या कर रहे हैं, माइनस 2H और प्लस 2CH3, और इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस 2H और प्लस CH3 एंड प्लस C2H5, तो जिससे बनेगा क्या, बन जाएगा तुम्हारा एक हाइड्रोजन हटा के क्या लिखेंगे, CH3, तो HC डबल बॉन्ड O, ये बनेगा NH और ये रहेगा CH3, समझ में आया, सही है ना। उसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा H, ये C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा N, और ऊपर में लिखेंगे यहाँ CH3 और ये क्या लिखेंगे, CH3, ठीक है, दो हाइड्रोजन हटा के दो CH3, अब यहाँ दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक CH3 लिखेंगे और दूसरा C2H5, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा HC डबल बॉन्ड O, ये लिखेंगे N और ऊपर में लिखेंगे CH3 और यहाँ लिखेंगे C2H5, इज दैट क्लियर। अब नाम देखो तुम, यहाँ पे N के बगल में N से कोई R जुड़ गया तो उसके लिए N इस्तेमाल करते हैं, N से जो जुड़ा हुआ है वो हमको बताना पड़ता है, N से कौन जुड़ा हुआ, तो क्या लिखेंगे, N डैश, N से कौन जुड़ा हुआ, मिथाइल, समझ में आया, और एक कार्बन का है ना तो क्या हो जाएगा, मिथेनामाइड, समझ में आया। अब देखो N से दो जुड़े हुए हैं ना, समझ में आया, तो क्या लिखेंगे, N, N से दो जुड़े तो N, डैश डाइमिथाइल, और एक कार्बन है तो मिथेनामाइड, समझ में आया। अब देखो यहां एक से मिथाइल और एक से इथाइल, तो क्या लिखोगे, पहले किसको, N इथाइल, समझ में आया, तो लिखेंगे N इथाइल, ठीक है, उसके बाद डैश, उसके बाद क्या लिखेंगे, N मिथाइल,
और एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मिथेना माइड। बोलो समझ में आया कैसे हम लोग लिख रहे हैं, लिखो। ठीक है, चाहो तो कॉमा भी दे सकते हो। अब उसी तरीके से यदि हम यहां जाए CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 लिखे तो क्या लिखोगे, दो कार्बन हो गया ना, क्या लिखोगे, इथेनामाइड। ठीक है, देखो इसी में क्वेश्चन देते जा रहे हैं। कल ऐसा याद करके आना कि हमको एक आदमी पे ज्यादा टाइम ना देना पड़े, इन द सेंस कि हमको जहां लगा कि गड़बड़ हो रहा वहां पीठ तुरंत चलेगा दुखहरण बाबा का प्रसाद। अब वही फिर कॉन्टेक्ट B3 अबाउट दुखहरण बाबा, मोर डिटेल्स अबाउट दुखहरण बाबा। ठीक है, दुखहरण बाबा कैसा लग रहा नाम, कल और अच्छा लगेगा, आज अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, उसकी सम एकदम कंप्लीट गारंटी है। इधर हो गया क्या, इस साइड। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाला N पे क्या आ गया, बोलो फेनाइल आया। हाँ, अब तो पहचानने लग गए हो ना, ये फेनाइल है, N फेनाइल, और क्या हो जाएगा दो कार्बन के लिए, हाँ इथेनामाइड। ठीक, अब बताओ ये क्या है, अब ये फेनाइल और मिथाइल पहले किसको लिखेंगे, M या P। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, N, बोलो मिथाइल। ठीक है, उसके बाद N क्या, फेनाइल, और दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। ठीक, अब इसका बताओ, N पे क्या है तुम्हारा, मिथाइल, N पे भी मिथाइल है देखना जरा सा, और यहां भी मिथाइल है, ये 1 2 और ये 3 ये होगा ना, और 2 पे भी मिथाइल है और यहां भी 2 पे भी मिथाइल है, बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान में ऐसा यदि आ जाए तो पहला प्रेफरेंस हम लोग N के मिथाइल को देंगे, बात समझ में आया, तो क्या लिखेंगे, N कॉमा 2 कॉमा 2, यानी एक किस पे है, N पे है, समझा बात, एक किस पे है, 2 पे, और दूसरा वाला भी 2 पे है, डैश ट्राइमिथाइल। बेसिकली N रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन पे मिथाइल, समझ में तो आ गया होगा अब तक। ठीक है, और ट्राइमिथाइल, और 3 कार्बन का है ये चेन, पैरेंट चेन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। ठीक है, और यहां बताओ क्या होगा, ये यहां सुपर सफिक्स इस्तेमाल होगा क्या, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड विद रिंग, तो नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन, क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन, और क्या लगेगा, कार्बोक्सामाइड। देख लो जी,
उधर हुआ क्या? नहीं हुआ। चलो जी बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? फिर ये वाला हम लोग ले लेंगे क्या? ले लेंगे ना इसको। और क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 यही होगा ना। तो तीन कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोपेन, और पूरा लिखेंगे -1, 2, 3 कार्बोक्सोएमाइड होगा ना। ठीक है इसका बताओ। ये देखो ये वाला तुम्हारा क्या आ रहा है? ब्रोमीन भी आ रहा है ना इस पे, तो नंबरिंग करो इसका 1 और 2। 2 पे क्या आ रहा? ब्रोमो आ रहा है, आ रहा है ना। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो, और ये किससे अटैच है? इस रिंग से। तो क्या लिखेंगे? सुपर सफिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो ये, अच्छा है। ठीक है तो क्या लिखेंगे हम लोग? ये वाला किस पे आ जा रहा है तुम्हारा? 2। ठीक है यानी कि एक तरह से 2 पे ब्रोमो है ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2 ब्रोमो। ठीक है और 2 कार्बन के लिए क्या होगा? इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है हाँ N(N-2-bromo)ethyl। और इसके लिए क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सोएमाइड। ठीक है इसके लिए बताओ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। नंबरिंग कहां से करेंगे? ये देखो क्या हो गया? क्लोरो इथाइल ना, और ये तुम्हारा क्या हो गया? मेन फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग होगा ये 1, 2, 3 और 4 होगा क्या? देख लो जी होगा ना। तो बताओ फिर कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? 4 पे क्या आएगा? ब्रोमो। ठीक है 4 पे क्या आएगा तुम्हारा? क्योंकि सब अब क्या लिखा रहा? प्रीफिक्स ना। 4 ब्रोमो के बाद बताओ क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो उसके बाद डैश एन, और एन के अंदर में क्या था? क्लोरो, क्लोरो हाँ 1, 2, 2 क्लोरो इथाइल ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? साइक्लो टू ई एन और ई एन ई कार्बोक्सो एमाइड, ये हो जाएगा। देख लो उस साइड वाला मिटाया। चलो जी बोलो। अब देखो क्या लिखेंगे? पेरेंट चेन तुम्हारा कौन आएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड अब मेन आ गया तुम्हारा, बहुत देर बाद आया है ना, तो मेन अब वो हो जाएगा। नंबरिंग उससे होगा, ये होगा 1 और ये होगा 2, और ये पूरा क्या होगा तुम्हारा?
बोलो, पूरा कॉम्प्लेक्स में जाएगा, जाएगा। अब इसका अलग से नंबरिंग करो, वन डैश या वन कर दो, वन डैश, टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टू। ठीक है, अच्छा उससे पहले बताना पड़ेगा ना कि किस पे है। तो ये तो दूसरे पे है, पूरा कॉम्प्लेक्स किस पे है? दूसरे वाले पे पूरा है। तो टू पे क्या क्या है प्रीफिक्स में बताओ, क्या आएगा बोलो? हाइड्रोक्सी आएगा, CONH2 को प्रीफिक्स क्या बोलते हैं बोलो जी? एमिडो या कार्बोमोइल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू और टू डैश। ठीक है, एमिडो या फिर कार्बोमोइल ये लिख सकते हो। उसके बाद क्या आएगा? थ्री डैश हाइड्रोक्सी। ठीक है, और साइक्लो ब्यूटाइल, सॉरी साइक्लो पेंटाइल ना, साइक्लो पेंटाइल ब्रैकेट क्लोज, और दो कार्बन का क्या हो जाएगा? इथानोइक एसिड। देख लो जी, ये भी बढ़िया है। ठीक है, इसका बताओ क्या होगा? ये फिर से आ गया ईस्टर अपना, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपना बोलो? कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, बताओ ये होगा नंबर वन और ये होगा नंबर टू, और टू पे क्या है? फेनाइल। तो नाम क्या लिखेंगे बता दो? टू फेनाइल। अच्छा ठीक, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? टू, और टू पे क्या है तुम्हारा? टू फेनाइल और इथाइल। ठीक है, टू फेनाइल इथाइल और दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बोलो? बोलो, इथानोएट। ये क्या होगा? इथानोएट। ठीक है, अब ये बताओ ये वाला क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा? ये हो जाएगा पूरा मेन चेन होगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये भी तुम्हारा ये तुम्हारा चला जाएगा प्रीफिक्स में, ब्रांच हो जाएगा ये ब्रांच। ठीक, और ये वाला एन से लिखते हैं, तो पहले किसको देते हैं वैल्यू हम लोग? एन वाले को। तो क्या लिखेंगे? एन फेनाइल, एन फेनाइल। उसके बाद ये वन और टू पे क्या लिखेंगे? डैश टू साइक्लो पेंटाइल। ठीक है, और दो कार्बन का क्या हो जाएगा? इथेनामाइड। ठीक है, समझ में आ रहा? अब बताओ यहां पे देखो ऑक्सो आ गया है, और यहाँ पे देखो एमाइड है, तो ये क्या होगा? वन टू थ्री फोर फाइव, और चौथे पे फेनाइल है, और एन, एन पे भी क्या है? फेनाइल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एन कॉमा फोर डाई फेनाइल होगा क्या? एन कॉमा फोर डाई फेनाइल। ठीक है, डैश थ्री डैश ऑक्सो। ठीक है, और पांच कार्बन का क्या होगा? पेंटेनामाइड। देख लो जी, किसी को दिक्कत है तो फिर पूछो। इसको थोड़ा सा ठीक करना, इस ऑक्सो को इधर डालना, वो पहले आ रहा है ना, थ्री ऑक्सो। ठीक है, फिर एन कॉमा फोर डाई, ठीक है, फेनाइल, फिर उसके बाद पेंटेनामाइड। इस साइड हो गया, ये वाला साइड हुआ। अब लिखना IUPAC नेमिंग ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड।
ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सी, और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है एन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं साइनाइड, ठीक है। और इसका टू डिग्री सफिक्स, टू डिग्री सफिक्स जो होता है वो क्या होता है बोलो, नाइट्राइल, ठीक है। और स्पेशल सफिक्स, स्पेशल सफिक्स इसका क्या बताए थे, कार्बोनाइट्राइल बोले थे ना, कार्बो नाइट्राइल ये होगा कार्बोनाइट्राइल। अब देखो जरा सा इसका, अब जैसे कि अल्केन नाइट्राइल यही होगा, ठीक है, ऐसे आईयूपीएसी में हम लोग क्या लिखेंगे, अल्केन नाइट्राइल, ठीक है, अल्केन नाइट्राइल। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा CH3CN, तो बताओ नाम क्या हो जाएगा इसका, बोलो कितने कार्बन टोटल, दो कार्बन ना, तो दो कार्बन के लिए क्या होगा, इथेन नाइट्राइल, देख लो जी थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इसी में तुम्हारा उल्टा रहेगा तो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनेट, पता है ना NC, यही चीज तुम्हारा क्या रहा है, इसके जगह तुम्हारा क्या रहा है डैश N C, तो ये क्या है आइसोनाइट्राइल, सब वही होगा, बस आइसो लग जाएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा, आइसो लग जाएगा। तो इसी में यदि तुम्हारा ऐसा रहेगा CH3NC, तो बताओ इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, तीन दो कार्बन हो गया तो लिखेंगे इथेन आइसो नाइट्राइल, ये लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे और देखो CH2CH CH2, ये हो जाएगा CN, ये होगा CN और ये होगा CN, ये क्वेश्चन पहले बताए हैं, बताओ ये होगा 1, 2 और 3, क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, उधर का हो गया क्या पूरा, आगे ऐसे भी नजर आ सकता है CN ऊपर में, यहाँ पे तुम्हारा CHO और नीचे में ये डबल बॉन्ड हो, बताओ क्या करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है तुम्हारा, CN है, सबसे ऊपर में कौन है इनमें, CN है, तो ये नंबरिंग होगा 1 बिकॉज डायरेक्टली अटैच है, तो क्या सुपर सफिक्स, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4, इसको क्या बोलते हैं फॉर्माइल, क्या बोलते हैं ऑक्सो, तो पहले किसको लिखेंगे 3-formyl, ठीक है 3-formyl, उसके बाद 4 ऑक्सो, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन नीचे लिखते हैं, साथ में लिखना तुम साइक्लोहेक्सेन, और साथ ही साथ क्या है सुपर सफिक्स कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, ये देखो इस साइड मिटाए अब, बोलो जी नाम क्या होगा इसका, कौन सा होगा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये होगा ना 1 2
3, 4, 5 और 6 ऑक्सो है ना, और ये क्या ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे 6 ब्रोमो, और क्या लिखेंगे 5, 3 डाई ऑक्सो, ये लिखेंगे ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा हेक्सेना, बोलो सॉरी हेक्सेन नाइट्राइल, इसका बताओ क्या होगा, ये तुम्हारा होगा पेरेंट कार्बन चेन, समझ में आया, उधर नहीं जाएगा मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएगा, ये होगा 1, 2, 3, 4 और ये तुम्हारा क्या होगा बोलो प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्स वाला, तो ये क्या लिखेंगे दूसरे पे क्या है तुम्हारा बोलो, ये 1 और 2 टू ब्रोमो, ठीक है, और इथाइल, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4 कार्बन में क्या लिखेंगे ब्यूट डैश 3-EN, ठीक है, ENE और नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल पहले कार्बन पे है इसलिए छोड़ दिया, इसका बताओ क्या हो जाएगा, अब CN डायरेक्टली मेन फंक्शनल ग्रुप तो है, ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये डायरेक्टली अटैच है इससे, तो क्या लिखेंगे सुपर सफिक्स, ठीक है, तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पेशल सफिक्स, ठीक है, तो ये बताओ तीसरे दूसरे और तीसरे पे क्या है इपॉक्सी, ठीक है, इपॉक्सी, तो पहले किसको लिखेंगे एमिनो को, क्या लिखेंगे 4 एमिनो, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, 3 इपॉक्सी, समझ में आया, और क्या हो जाएगा साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन और बोलो कार्बोनाइट्राइल, ये तुम्हारा नाइट्राइल और सॉरी साइनाइड और आइसोसाइनाइड करा, आगे हेडिंग डालो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ थायोल थायोएल्कोहल एंड सल्फोनिक एसिड, थायोएल्कोहल एंड सल्फोनिक एसिड, इस साइड वाला हो गया क्या, साइड का थायो अल्कोहल एंड सल्फोनिक एसिड, हो गया ऊपर का 1-2 मिटा सकते हैं क्या, 1 मिटा दे, 2 बस यहां तक,
हो गया, बताओ इसका नाम क्या होगा। अल्कोहल वाला था वो एच के जगह हम क्या ओ के जगह क्या चेंज किए थे, एच, और नाम क्या हो गया था, थायोल। सेम रहेगा, ई हटा के थायोल जोड़ो। समझ में आया? यानी इसके लिए हम लोग नाम क्या लिखेंगे, अल्केन। अल्केनॉल था किसके लिए, अल्कोहल के लिए, मिथेनॉल प्रोपानॉल, तो अल्केन ई हटा के थायोल। समझ में आया, क्लियर है ना? तो बताओ क्या हो जाएगा, ई को बस हटा देना, ठीक है। इसका बताओ क्या होगा, क्या लिखेंगे, इथेन, इथेन डैश 1.2 डाई थायोल। अब जैसे ओएच था यहां पे तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सानॉल लिखते ना, साइक्लोहेक्सानॉल ऐसा लिखते। अब इसका क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन थायोल, ठीक है। ठीक है, इसका बताओ क्या लिखेंगे। अब लास्ट में आ गया सल्फोनिक एसिड, तो इसका क्या लिखते हैं, अल्केन सल्फोनिक एसिड। समझ में आया, समझ में आया? तो बताओ क्या होगा, सॉरी अल्काइल, तो नाम बताओ क्या हो जाएगा इसका। नहीं नहीं गलत लिख रहे हैं, अल्केन, अल्केन सही पहले लिखे थे। तो ये क्या हो जाएगा, इथेन सल्फोनिक एसिड। अब ये बताओ, ये 1, 2, 3, 4 पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइक्लो हेक्साइल और ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। ये वहां ब्रांच चला गया ना अलग से, ठीक है। अब साइकिल और दोनों का एक साथ तो नंबरिंग नहीं करते हैं ना, इसका बताओ क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड ऊपर होगा ना, 1, 2, 3, 4, तो क्या लिखेंगे, 2.3, ठीक है, इपॉक्सी, ठीक है, और उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इथेन डाइसल्फोनिक एसिड होगा ना, इथेन 1.2, यानी लिखने की जरूरत नहीं, दो ही कार्बन है तो अगल बगल ही होगा ना, इथेन या लिख दो बढ़िया रहेगा, 1.2 डाई सल्फोनिक एसिड। इसका बताओ, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, हो गया ना। अब ओएच रहता तो क्या लिखते, अल्कोहल का ओएल लास्ट में लिखते, अब यहाँ एसएच है तो लास्ट में क्या लिखेंगे, थायोल। अब नंबरिंग करो, ये होगा 1 और उसके बाद 2 मल्टीपल बॉन्ड 3 और ये 4, 4 में क्या है, एमिनो है ना, और उसके बाद साइक्लो ब्यूट डैश 2 डैश EN ई थायोल। समझ में आया, देख लो। अब इसका क्या लिखोगे, ये SH इस बार ब्रांच में आ गया, OH है तो पहले ऊपर कौन है, OH, तो ये तुम्हारा आ गया 1, 2, 3, 4, तीसरा पे क्या है, मरकैप्टो। समझ में आया, आप प्रीफिक्स आ गया ना, साइड चेन की तरह आ जाएगा, और 4 कार्बन का क्या होगा, ब्यूटानॉल, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑयल लिख दो उससे बढ़िया, डैश ऑयल, ये लो, ठीक। समझ में आया, तो ये है तुम्हारा आज का कहानी, यही समाप्त होता है आज का सेवा समाप्त। और कल याद करके आना, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है ना, तो प्रीफिक्स सफिक्स कर लो अच्छे से, तो फिर आसान है। इसमें है क्या, एक बार ट्रेंड तुम समझ में आ गया, पहले क्या करना, मेन फंक्शनल ग्रुप को खोजो, मल्टीपल की तरफ नंबरिंग में जाओ, उसके बाद ब्रांचिंग देखो, नाम लिखो अल्फाबेटिकल, कुछ है ही नहीं है, नहीं सीट लगाओ, फिर जाओ के पूछो, बनाए हैं नाम के पूछो।